हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू ट्रेजर ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ पोस्टर। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन होता है, इट मीन सेक्शन बी का जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें एक पोस्टर जरूर आता है, इसके और एडवर्टाइजमेंट नोटिस या फिर इन्विटेशन आता है। तो आज हम जानेंगे उस पोस्टर के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पोस्टर बताया जा रहा है, उसको मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट पूरे 5 नंबर का सवाल है, पूरे 5 मार्क्स का 5 नंबर का पोस्टर पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पोस्टर के बारे में। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन के बारे में बता दूं किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। जस्ट स्टूडेंट्स, यही वो पोस्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें। तो डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर मतलब कि एक अट्रैक्टिव, एक आकर्षित और एक असरदार, एक इफेक्टिव पोस्टर को डिजाइन कीजिए। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के विरोध में, ड्रग्स के खिलाफ आपको एक पोस्टर को डिजाइन कर देना है, आपको बना देना है। तो चलिए हम एक पोस्टर को देख लेते हैं। तो देखिए, ये सामने आपके स्क्रीन पर एक पोस्टर नजर आ रहा होगा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। इस टाइप से आपको पोस्टर को डिजाइन कर लेना है। आई होप दैट आप इससे अच्छा डिजाइन कर पाएंगे। बहुत ज्यादा मैंने मेहनत नहीं की है इसको डिजाइन करने में, लेकिन आप इसको थोड़ा सा टाइम लेंगे तो और अच्छा आप इससे डिजाइन कर सकते हैं, इससे भी अच्छा आप डिजाइन कर पाएंगे। तो फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिए गए, Do you love yourself and your family? अब इसको समझ देखिए, Do you love yourself? क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? Do you love yourself? Yourself का मतलब होता है स्वयं से, खुद से। तो Do you love, क्या आप प्रेम करते हैं, मतलब कि लव करते हैं किससे? Yourself। Do you love yourself? मतलब क्या आप अपने आप से, स्वयं से प्रेम करते हैं? And your family, और अपने परिवार वालों से, और अपने परिवार वालों से। अब यहाँ पे इसके बाद आपको क्वेश्चन लगा देना है, क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में, इट मीन्स यस या नो में आएगा। अगर आपका आंसर हाँ में आता है तो फिर आगे हमें क्या कुछ बताना है। ओके, तो ये लाइन आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है जो कि हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, डू यू लव योर सेल्फ, क्या आप अपने आप से, स्वयं से प्रेम करते हैं? एंड योर फैमिली, और अपने परिवार वालों से। इफ यस, यदि हाँ। इफ यस देन, तो या तब। इफ यस, यदि हाँ तो। से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को नहीं कहिए, ड्रग्स को नहीं कह दीजिए। से नो टू ड्रग्स, तो मतलब ड्रग्स को नहीं कर दीजिए, ड्रग्स को नहीं कह दीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन। अब देखिए, ड्रग्स लीड टू, लीड मतलब के ले जाता है, लीड टू ले जाता है, किस तरफ लेके जाता है। देखिए, इसलिए यहाँ पे एरो लगाया गया, एरो लगाकर आपको ये बात समझाई जा रही है कि लीड टू मतलब के लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है? डिस्ट्रक्शन की ओर, मतलब के विनाश की ओर, बर्बादी की ओर। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है तबाही, विनाश, बर्बादी। तो ड्रग्स जो है वो हमें तबाही की ओर, बर्बादी की ओर लेकर जाता है। तो ये था पोस्टर, इसका पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया है कि किस तरीके से इस पोस्टर को बनाया जाता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बॉर्डर है, जो आउटलाइन है, आप इससे भी अच्छी कोई आउटलाइन बना सकते हैं, आप कोई स्टार बना सकते हैं, कोई सर्कल बना सकते हैं, जो भी कुछ आपको डिज़ाइन अच्छी लगे वो डिज़ाइन आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर लिखा गया है, डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर। तो जो आपका पोस्टर है वह अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, आकर्षित भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आप इससे भी अच्छी डिज़ाइन बनाना जानते हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करना होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप बना पाएंगे। ओके, तो यही वो पोस्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसकी स्टडी कर लेना, इसको कवर कर लेना है। आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा खासा पोस्टर बना पाएंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टाइम बहुत ज्यादा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि पोस्टर डिजाइन करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 7-8 मिनट का टाइम में ही आपको ट्राई करना है कि इतने टाइम मिनट्स में, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट्स मान सकते हैं, इतने मिनट्स में आपको एक पोस्टर को डिजाइन कर देना है। ओके, तो ये था हमारा पोस्टर जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।